जनवर टाइम्स के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं सोहेल। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच राहुल गांधी ने लोगों से की यह अपील। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना वायरस के संकट से निपटने में जुटे स्वास्थ्य कर्मियों एवं अन्य लोगों का आभार प्रकट करते हुए मंगलवार को कहा कि सभी लोगों को सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सामाजिक मेलजोल से दूर रहना चाहिए। उन्होंने एक संदेश में लोगों से यह अपील की कि वे संकट के इस समय में समाज के कमजोर लोगों, दिव्यांगों और बुजुर्गों की हर संभव मदद करें। राहुल गांधी ने यह भी कहा, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे कुछ देशों ने लोगों को सामाजिक मेलजोल से दूर रखकर और बड़े पैमाने पर जांच करके कोरोना पर नियंत्रण करने में सफलता हासिल की है। भारत में अगले 3-4 हफ्ते अहम हैं और इस महामारी से निपटने के लिए जीवन शैली में तत्काल बदलाव की ज़रूरत है। उन्होंने कहा, सामाजिक रूप से अलग रहने का मतलब छुट्टियां मनाना नहीं है। गैर जरूरी यात्राओं और सामाजिक मेलजोल से कोरोना का खतरा बढ़ेगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि लोगों को अपने तहत काम करने वालों को वैतनिक अवकाश देना चाहिए ताकि सभी की सुरक्षा हो सके। जनवाद टाइम्स के साथ जुड़े रहने के लिए जनवाद टाइम्स के न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।